गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण है, या आज सदन में देश को पता चले। उन्होंने क्या ये कहकर कहा सिर्फ महिलाओं को दे रहा हूँ, ये क्या बात हुई, उनको किस बात का दुख हो रहा है? इट वॉज जस्ट अ जेन्युइन जेस्चर उन्होंने किया है। जैसे कहा मोहब्बत की दुकान है, आप लोग को नफरत से आदत हो गई है। क्या हो गया राहुल गांधी को? इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं, मतलब कोई तमीज नहीं है उनको क्या? बहुत पीड़ा हुई है। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूँ अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन हु कैन गिव अ फ्लाइंग किस टू अ पार्लियामेंट विथ सीट्स फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण है, या आज सदन में देश को पता चले। स्मृति ईरानी जिस घटना का जिक्र कर रही हैं, उसके बारे में इंडिया टुडे ग्रुप की वरिष्ठ संवाददाता मौसमी सिंह ने पूरा वाकया कॉन्टेक्स्ट के साथ बताया है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी भाषण खत्म होने के बाद जब संसद से बाहर निकलने के लिए उठे, उस वक्त उनके हाथ से कुछ कागज नीचे गिर गए। उन्हें उठाने के लिए जैसे ही राहुल गांधी नीचे झुके तो बीजेपी के कुछ सांसद हंसने लगे। इसके बाद ही राहुल ने ट्रेजरी बेंच की ओर फ्लाइंग किस का इशारा किया और वहां से निकल गए। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब संसद में राहुल गांधी के किसी एक्शन को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। इससे पहले संसद में नरेंद्र मोदी से बिना इजाजत गले लगने और भाषण के बाद साथी सांसद की ओर एक आंख झपकने को लेकर खूब हंगामा बरप चुका है। फ्लाइंग किस के मामले में अपडेट यह है कि स्मृति ईरानी समेत कई बीजेपी महिला सांसदों ने चेंबर में पहुंचकर लोकसभा अध्यक्ष को लिखित में शिकायत दी। इस चिट्ठी में उन्होंने राहुल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं इस घटना के बारे में बात करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने भी संसद के बाहर से बयान दिया, सुनिए। हमने देखा एज अ जेस्चर ऑफ व्हेन ही वाज लीविंग, उन्होंने एज अ जेस्चर ऑफ अफेक्शन किया और कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या ये कहकर कहा सिर्फ महिलाओं को दे रहा हूँ, ये क्या बात हुई, उनको किस बात का दुख हो रहा है? इट वाज जस्ट अ जेन्युइन जेस्चर उन्होंने किया है। जैसे कहा मोहब्बत की दुकान है, आप लोग को नफरत से आदत हो गई है, मोहब्बत एक्सेप्ट नहीं कर। वहीं भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद का भी इस पर रिएक्शन आया, सुनिए। फ्लाइंग किस करते हैं, क्या हो गया राहुल गांधी को? इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं, मतलब कोई तमीज नहीं है उनको क्या? बहुत पीड़ा हुई है। बाकी उनका भाषण क्या था, भारत माता की हत्या कर दी? राहुल गांधी आप चाइना से दोस्ती की बात करें, फंडिंग लें, भारत माता अजेय है और अमर है, लेकिन आपको भारत माता की साख कौन बताएगा? तो ये था पूरा मामला और अब तक आए अपडेट। आपकी क्या राय है इस मसले पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है सोनल। संसद से हमारी कवरेज लगातार जारी है, हम अलग अलग वीडियोस के जरिए आपको बता रहे हैं कि वहां हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। आप दिल्ली एलन टॉप के साथ बने रहिए। शुक्रिया।